हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय यूट्यूब चैनल टारगेट विजिट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था रीजनिंग का, कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, तभी उसके बाद सेकेंड पार्ट आपको समझ में आएगा। इसलिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। उसके फर्स्ट टाइप हुआ था जो हमने आपको बताए थे, उसमें चार प्रकार की होती हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज और कंडीशन सीरीज। तो दोस्तों, आइए हम लेटर सीरीज का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहे आपको स्क्रीनशॉट पे आपको क्वेश्चन देखेंगे, एंड हम तो मोबाइल से क्वेश्चन देख रहे हैं, आप करिएगा। तो दोस्तों, हमारा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों, हम पढ़ के बताते हैं, जो आपकी आसानी तरीके से आसान तरीका रहेगा कि किसी निश्चित कोड को राइट को क्या लिखा, JSCSGF लिखा जाता है। उसी भाषा में ज्वाइंट को क्या लिखा जाए, JOINED ज्वाइंट को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको 2 सेकंड दिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्या है क्वेश्चन के राइट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, RIGHT राइट को दोस्तों क्या लिखा जाता है, राइट को लिखा जाता है जे जे एस सी एस जी एफ। तो राइट को क्या लिखा जाए दोस्तों, ये लिखा जाता है। तो उसी भाषा में किसको, ज्वाइन, JOINED दोस्तों पूछा है इसको क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले अगर आपको समझ नहीं आता है तो इसके नंबर जो नंबरिंग उसकी कर लेते हैं। इसके दो बी का क्या कोडिंग करता हूँ, तो 2, आर का 18, आई का 9, जी का 7, एच का 8, टी का 20, एफ का 6, जी का 7, एस का 19, सी का 3, एस का 19 और जे का कितना होता है 10। तो दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है तो देखिए दोस्तों, इसका 2 पार्ट में पार्ट कर लेते हैं। देखो, इसका 2 पार्ट कर लिए, ठीक। आई और जे, आर और एस, बी और सी, मतलब इसमें +1 का कंसेप्ट है, +1 और +1। अब इधर देखते हैं दोस्तों, क्या है कि जी और एफ, मतलब इसका 7 इसका 6, तो -1 का कंसेप्ट है। इधर किसका कंसेप्ट है, -1 का। इसी प्रकार एच और जी -1, टी और एस -1। तो दोस्तों, इसका ये होगा, इसी प्रकार इसका कहते हैं, बीच में हम 2 पार्ट में कर लेते हैं, +1। आई का कोड 9, तो +1 करेंगे तो क्या हो जाए, जे। आई और बंद करें तो क्या होगा, जे। ओ से +1 करेंगे क्या होगा, पी। और जे से +1 करेंगे तो क्या आएगा, के। इसी प्रकार इसमें माइनस का कंसेप्ट है, तो एन, एन से -1 करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी होती है, 14, इसकी 5 और इसकी 4। तो 14 में से -1 जाएगा तो कितना हो जाए, 13, 13 मतलब एम। ई, ई मतलब 5 में से एक गया तो -1 करेंगे तो 4, डी। और इसमें से माइनस बन गया तो सी। तो दोस्तों, इसका क्या आंसर आया, जे पी के सी डी एम। दोस्तों, इसका ये क्वेश्चन का आंसर आया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको टेक्निकल साहब क्वेश्चन लगा रहे हैं और आपको देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ के आपको बता रहे हैं। किसी निश्चित कोड में DOMEIN को NEP
ओ जे भी लिखा जाता है, तो उसी में STE STRE M को क्या कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखा है दोस्तों, हम सॉल्व करते हैं। DO DO M A I N को क्या लिखा जाता है, N P E O J और V, इसको ये लिखा जाता है। तो STRE AM इसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों? आपको क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो आपको करने की कोशिश करें, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है DOMAIN को NEPEOJ भी लिखा जाता है, तो इसी प्रकार STREAM को स्ट्रिंग को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे अच्छा रहता है कि इसकी हम वैल्यू कितनी होती है वो लिख लेते, उससे क्वेश्चन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। जैसे डी की 14, ओ 15, M 13, A 1, I 9, N 14, B 2, J 10, O 15, E 5, P 16, N 14। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, बीच में हम कट लगा देते हैं, इससे हम क्वेश्चन करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि इसके 1 2 3 लेटर इधर हो गए, 1 2 3 लेटर इधर हो गए। देखिए दोस्तों, ये 4 है और ये 5 है, तो इसका इसका इससे मेल कर दिए, ओ का पी से और एम का एन से, तो +1 का कंसेप्ट होगा इसमें, +1 और +1। इसी प्रकार यहाँ करते हैं क्या है, +1 +1 और +1। इसी प्रकार इसमें भी हम करते हैं, दो बार कर दिए इसके, दो पार्ट करके S 19 पे तो +1 करेंगे तो T आएगा, मतलब 20। R के बाद क्या आता है दोस्तों, S, T के बाद क्या आता है U, इसी प्रकार यहाँ E के बाद G, सॉरी E के बाद F, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है और F की वैल्यू 6 होती है, तो A के बाद F, A का V और M का N। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया देख लिया होगा, इससे जबकि जबकि इसे प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, वैसे हम इसमें दिमाग लगाते रहेंगे और एग्जाम में हमें क्वेश्चन करने में बहुत पीछे हो जाएंगे औरों से भी। तो दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लगा दिया गया है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और हम बोर्ड से पढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, किसी निश्चित कोड हुए हैं GARNISS को RGAINSS लिखा जाता है, उसी भाषा में जीनियस का पूछा है GENIOS का क्या अर्थ है? तो दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़िया और सॉल्व करते हैं। किसी भाषा में GARNISS, इसको क्या लिखा था, RGAIN RGAIN HS, ये लिखा जाता है। तो दोस्तों जीनियस का पूछा, किसका पूछा, जीनियस का, GENIOS, जीनियस का पूछा। तो दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, आप लोग कुछ टाइम देते हैं, आप लोग सॉल्व करिए इसे का। दोस्तों अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए दोस्तों अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसको हम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या करते हैं, 1 2 3, ठीक है नहीं रहने दीजिए, इसे क्या कहते हैं टॉस। देखिए दोस्तों, जी
आर ए एन आई एस एच। दोस्तों इसमें क्या लगा है, क्रॉस का क्रॉस फैक्टर लगा है, इसमें क्रॉस से चक लिए हैं। इसी प्रकार अब इसमें करते सॉल्व करते हैं जीनियस का। जीनियस का क्या होगा दोस्तों, 3 एन एन जी ई। दोस्तों यहां तक हो गया हम लोगों का बीच में, ठीक। अब ये इसका क्या होगा, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, आई आई ओ एस यू। तो दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एडिटर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए स्क्रीनशॉट पर। तो दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट इसके व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा और हम क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा देते हैं। ये कह रहा है किसी निश्चित कोड को, राइट को, राइट को क्या लिखा जाता है, जे एस सी एस जी एफ लिखा जाता है, उसी कोड में ज्वाइंट को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ज्वाइंट को पूछा है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। दोस्तों हम लोग करते हैं क्वेश्चन, ये किसका पूछा है, राइट का। बी आर आई जी एच टी। दोस्तों राइट का क्या लिखा जाता है, जे एस सी एस जे एस सी एस जी एफ लिखा जाता है। और उसी भाषा में ज्वाइन, जे ओ आई एन ई और डी को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा क्वेश्चन को, देखते हैं हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसे हम क्या करते हैं, बीच में फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। दोस्तों बी सी आर एस आई जे, ठीक है। दोस्तों एफ जी जी एच एस टी। दोस्तों इसमें क्या हुआ, पहले वाले पार्ट में +1 का यूज हुआ है और दूसरे वाले पार्ट में -1 का यूज हुआ है। इसी प्रकार हम यहाँ भी +1 और -1 का यूज करते हैं। जे के +1 हुआ इधर, आई जे ओ पी इधर। दोस्तों -1 का प्रयोग यूज हुआ है। एन एन से पहले क्या आता है, एम। डी से पहले क्या आता है, सी। और ई से पहले क्या आता है, डी। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जे पी के सी डी एम। दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और हम क्वेश्चन पढ़ के आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो। ये कह रहा है एक निश्चित कोड में गिरडल को जे एच जे एस सी के डी लिखा जाता है, उसी में सिल्वर को क्या लिखा जाता है। वो दोस्तों हम लिखते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, जी आई आर डी एल ई को क्या लिखा जाता है। दोस्तों एच जे एस सी एच जे एस सी के डी उसी कोड में सिल्वर को भूल जाए, वो एस ए एल वी ई आर सिल्वर को क्या लिखा जाता है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी। दोस्तों ये हमारे वीडियो का आज लेटर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कल से हम लोग नंबर सीरीज पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इसको हम 2 पार्ट में बांट लिए, ठीक है। दोस्तों इसको भी हम 2 पार्ट में बांट लिए, जे जी एस आई जे एच आर। दोस्तों ऐसे नहीं बना,
दोस्तों अब कैसे बनेगा देखिएगा, जी एच आई जे आर एस सी डी के एल डी ई, इसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, एस टी ए बी एल एम बी यू ई डी आर क्यू। दोस्तों ये इसका हमारा सॉल्यूशन हुआ। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको ये सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको फर्स्ट पार्ट पहले देखना, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोरोना महामारी के चलते हुए आप घर पर बैठकर ही इसे स्टडी करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।